को त्यागते हुए एक गरीब जन्म लिया। वो धनी तो था लेकिन हमारे खातिर गरीब हुआ। ये व्यक्ति जब बड़ा हुआ तो गरीबी में रहा लेकिन कभी पाप नहीं, इन्होंने कभी भी शिक्षा हासिल नहीं की, लेकिन इनका प्रभाव इतना था कि लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे कि बिना शिक्षा का इतना ज्ञान कहां से। ये अलग अलग देशों को नहीं गया, अलग अलग देश में नहीं गया ये व्यक्ति, लेकिन लोगों के जीवन को ऐसा बदला कि लोग दूसरे देशों में जाकर परिवर्तन का काम किया। ये ऐसा बालक था जिसे राजा डरता था, ये ऐसा व्यक्ति था जो फरीसियों का सामना करता था, ये ऐसा व्यक्ति था जो तूफानों में चलता था, तूफानों को थामता था, नदियों में चलता था, एक ऐसा व्यक्ति था जो चंगाई देता था बिना मेडिसिन का, और उस चंगाई के लिए कोई पैसा चार्ज नहीं करता, एक ऐसा व्यक्ति था जो मानसिक संतुलन से लोग जो पीड़ित हैं, कभी भी उन्होंने साइकेट्रिक शिक्षा हासिल नहीं की लेकिन टूटे हुए हृदयों को जोड़ा है। उन्होंने कभी किताब नहीं लिखा लेकिन उसके ऊपर अनेक किताब लिखे गए। उन्होंने कभी गीत नहीं लिखा लेकिन उसके ऊपर अनेक गीत बनाए गए। उन्होंने कभी बंदूक उठाई नहीं लेकिन बंदूक उठाने वाले लोग उसे ग्रहण कर लिए। स्वर्ग उसे नहीं मार सकता था, शैतान उसको परीक्षा में नहीं ला सका, उसके दुश्मन उसको बर्बाद नहीं कर पाए, कब्र उसको पकड़ के नहीं रख सका, और वो तीसरा दिन मृत्यु से जय प्राप्त कर गया। वो हमारा यीशु मसीह है जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हमारा यीशु मसीह जीवित और अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। हमारा सबसे बड़ा ताकत, हमारे सबसे बड़ा भरोसा केवल यीशु मसीह है।